अब दो चीजें लिखी है मेरे पास, एनईएफटी और आरटीजीएस। एनईएफटी की फॉर्म होती है नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दोनों ही हमारे तरीके हैं फंड को एक जगह से या दूसरी जगह पे सेटल करने के या ट्रांसफर करने के। दोनों में होता फंड हमारा ट्रांसफर है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? एनईएफटी होता है कि नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस रियल। इसका मीन्स है अगर तुमने 10,000 रुपए एक को बैंक से दूसरे बैंक में क्या करे हैं, ट्रांसफर करे हैं, किसके थ्रू? आरटीजीएस करे हैं। अगर आरटीजीएस करोगे तो वो रियल टाइम होता है। 10:01 अगर एक मिनट पे तुमने आरटीजीएस ट्रांसफर करा है एक बैंक में डिपॉजिट, तो वो दूसरे बैंक में 10:01 पे ही हो जाएगा। इसको कहते हैं हम आरटीजीएस, कि मतलब ऑन द टाइम डिपॉजिट होना या ऑन द टाइम ट्रांसफर होना। एनईएफटी हमारा होता है जो कुछ टाइम ले लेता है फंड को ट्रांसफर करने में, या 6 to 7 hours ले लेता है मनी को डिपॉजिट करने में अपने अंदर। दोनों में ही एक चीज सिमिलर होती है कि फंड को जब ट्रांसफर करते हैं सिमिलर बैंक्स में करते हैं। सिमिलर बैंक्स के अलावा एक आदमी के अगर डॉक्यूमेंट जमा हो रहे हैं तो दूसरे आदमी के निकाले भी जाते हैं, और दोनों में ही फंड ट्रांसफर की होती है। पर इसमें कुछ लिमिट लगा दी जाती है आरटीजीएस में। अब इसमें लिमिट क्यों लगाई जाती है? क्योंकि ये ऑन द टाइम ट्रांसफर हो रहा है। ऑन द टाइम का मतलब ना डॉक्यूमेंट इसमें जमा हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना तुम्हारा सही से चेकिंग होगी। दैट मीन्स इसमें कम अमाउंट रखी जाती है। इसमें सरकार क्या लगा दी है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि इतना ही अमाउंट तुम ट्रांसफर कर सकते हो। एनईएफटी में ऐसा कुछ नहीं रखती है, तुम जितना चाहे उतना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो एक बैंक से दूसरे बैंक में। और आरटीजीएस और एनईएफटी 11th बुक्स में 5th चैप्टर में ज्यादातर दे रखा है, क्योंकि ये बैंकिंग का क्या है हमारा, एक फंक्शन है। ठीक है, बस।